कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में दिन भर चले मंथन के बाद कांग्रेस चुनाव समिति ने अधिकांश नामों पर मुहर लगा दी है। इनमें से 2 नगर पालिकाओं और 5 नगर पंचायतों में उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी गई है। इनमें जामुल और खैरागढ़ नगर पालिकाओं के 20-20 वार्डों में उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। इसके अलावा नगर पंचायत और भैरमगढ़, कोंटा और भोपालपट्टनम, नहरपुर और मारो भी कांग्रेस के पार्षद उम्मीदवार तय हो गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम की अध्यक्षता में ही कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक दोपहर बाद शुरू हुई और इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिव चंदन यादव मुख्य रूप से मौजूद थे। मंत्री रविंद्र चौबे और तरुण धवज साहू, शिव कुमार और भी कई लोग इसमें शामिल हुए थे। आपको बता दें कि इसको लेकर भी जो इसमें शामिल हुए थे वो खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश भी थे और मंत्री भी इसमें शामिल हुए थे। और देर शाम तक सभी चुनावी शहरों में सर्वे से आए एक नाम पर भी चर्चा हुई और इस दौरान अधिकतम नामों पर सहमति बना ली गई। कई शहरों में 5 से 7 वार्डों में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। बाद में प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भी बताया कि जिन वार्डों में सहमति नहीं बन पाई है वहां दोबारा सर्वे का निर्देश दिया गया है। जैसे ही वहां से नाम आएंगे और सूची जारी कर दी जाएगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भी दावा किया है कि पार्षदों के टिकट वितरण को लेकर भी पार्टी में केवल 3 शर्तें ही रखी थी। पहला दावेदार कांग्रेस का सदस्य हो और दूसरा नाम होगा संगठन के सर्वे में आया हो और तीसरा जो रहेगा उसके जीतने की संभावना सबसे अधिक हो। और मरकाम ने कहा कि पार्टी ने जिसको टिकट दिया है वे सभी जीतने वाले उम्मीदवार हैं। रायपुर जिले में स्टाफ नर्स की संविदा भर्ती में गड़बड़ी की बातें सामने आ रही हैं। जिले के स्वास्थ्य विभाग ने खनिज फंड के जरिए ही 20 स्टाफ नर्स की भर्ती की है और इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल उम्मीदवारों ने आशंका जताई है कि प्रक्रिया में पारदर्शिता का पालन नहीं किया गया है। कुछ खास है लोगों को चुना गया है और मेरिट लिस्ट जारी किए बिना ही उनको अपार्टमेंट में ही लेटर दिया गया है, जबकि नियमों के मुताबिक पहले मेरिट लिस्ट सार्वजनिक की जाती है और बाद में ही ज्वाइनिंग दी जाती है। रायपुर, आपको बता दें कि रायपुर के ही चीफ मेडिकल ऑफिसर दफ्तर के सूत्रों और भर्ती में शामिल कुछ कैंडिडेट है, उन्होंने बताया है कि बीते शनिवार ही कुछ कैंडिडेट्स के पास ही फोन कॉल किया गया और उन्हें ज्वाइनिंग दे दी गई और जबकि सोमवार तक कार्यालय में मेरिट लिस्ट शामिल नहीं की गई थी। वहीं जानकारी ये भी है कि सिलेक्शन लिस्ट में भी अभ्यर्थियों के नाम भी शामिल हैं, मगर उनके मार्क्स जो है वो कट ऑफ कोई जानकारी इसमें नहीं दी गई है। इतना ही नहीं, भर्ती के जारी किए गए विज्ञापन में भी कहा गया था कि प्राथमिक सिर्फ रायपुर जिले के लोगों को ही मिलेगी और 300 के आसपास उम्मीदवार होते हुए भी फाइनल लिस्ट में दूसरे जिलों के कैंडिडेट हैं जो उनका नाम शामिल है। अब दूसरे कैंडिडेट का कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी तक नहीं दी जा रही कि चुने हुए लोगों को आखिरी किस आधार पर या कितने नंबर पर मिलने की वजह जो है वो सिलेक्ट किया गया है। इस प्रक्रिया के बारे में पूछे जाने पर चीफ मेडिकल अफसर डॉक्टर मीरा बघेल ने कहा कि भर्ती की प्रक्रिया पूरी करते हुए संविदा पर ही 20 स्टाफ नर्स चुनी गई हैं। इसमें पूरी तरह से नियमों का पालन हुआ है, मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद भी ज्वाइनिंग दी जाएगी।